हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यार आज क्या, मैं आज मम्मी के पास हूँ। तो मम्मी ने आज बनाना शुरू किया है, ये बन रही है हमारी भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी और आलू की सब्ज़ी। यार मैंने तो खाना नहीं मुझे, क्योंकि भिंडी के अंदर आलू मतलब पता नहीं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। खैर एनीवेज़, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मैं बोल रही हूँ वीडियो में और आप फिर वॉइस ओवर क्यों कर रहे हो। यार इतना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था ना पीछे से, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि लेट्स लीव इट और वॉइस ओवर ही करूँगी तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोगों को एटलीस्ट थोड़ा। और ये चाय बन रही, चाय नहीं है यार, ये मैंने मेहंदी लगानी है ना, तो मेहंदी के लिए मैं थोड़ा सा चाय पत्ती को ना काफ़ी सारी इकट्ठा करके वो कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये पापा के लिए रोटी बना रही है मम्मी, और ये गर्म पानी से गूंद रहे हो क्यों? मैं तो ठंडे पानी से गूंदा। अरे नहीं बेटा, ये गर्म से गूंदता है। तो गर्म पानी से ये वाला ना, कुट्टू का, बाजरे का, ये चार पांच आटे मिला के, चार पांच सिंगाड़े का भी है ना, सिंगाड़े का नहीं है, और दो तीन तरह के बाजरे हैं, पांच तरह का आटा है, ये एक एक चम्मच डालते हैं बस, इसमें दो छोटे छोटे रोटी। पापा ना यही वाली रोटियां खाते हैं क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ना, डायबिटीज़ की वजह से दो रोटी बहुत है। हाय फ्रेंड्स, तो संडे है आज, आज का दिन मतलब जो करना चाहो वो कर लो, ठीक है। तो बड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा है मेरे को, और मैं देखती हूँ कि मुझे आज क्या क्या, मुझे थोड़ा सा नॉवल पढ़नी है, यू नो आई हैव स्टार्टेड अगाथा क्रिस्टी का नॉवल, ये वाली मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। तो देखती हूँ क्या मज़ा आता है। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों से भी थोड़ी सी बात की जाए अच्छे से, क्योंकि वरना तो ऑफिस में रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता ऑफिस में ना कि इस तरह से मैं वीडियो वगैरह बनाती फिर। टेक केयर, बाय। तो जल रही है, जल नहीं रही है, तो ऐसी कच्ची कच्ची, ऐसी बनती है, ऐसी बनती है, कच्ची कच्ची नहीं। ये जो इसका तेल है ना, वो जल रहा है, क्या बनाने तरीके से वो नहीं कम रहा है। तो पापा रोज़ पराठे ही खाते हैं? पराठा क्या, हल्का सा कर देते हैं ना तभी खाई जाती है, वरना ये बहुत इसमें वो नहीं होता ना, ग्लूटेन ग्लूटेन बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए तो खाते हैं। वाह यार, टेस्टी लग रही है भिंडी। लंबी पापा की थाली, कहाँ थाली है ये, अभी एक रोटी बनाई है। ये लग गई पापा की थाली, देखे हूँ अब। वाह कितना टेस्टी लग रहा है सब कुछ। तुझे तो खाना नहीं? मैं क्यों खाऊंगी, खीरे भी तो खाऊंगी मैं, मूली वगैरह, खीरे मूली खा के अभी, ऑरेंज भी बहुत सारे रखे हैं, पाँच किलो फ्रूट खा के थक गई हूँ मैं, मेरा मन नहीं कर रहा फ्रूट्स खाने का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। और ये है हमारे छोटे छोटे बच्चे, रात का टाइम हो गया, इनको खाना देने चल गए। देखो इसको, देखो ये सबसे प्यारा हो गया आजकल, गुड्डा नाम रखा है इसका, गुड्डा गुड्डा, छोटा छोटा गुड्डा, इधर आ। मतलब क्या कर रही थी तू, हैं, इधर आओ सब। इनका ना शाम का टाइम है तो ना मैं ऊपर ही खाना देती हूँ ना, तो अपने आप ही चले जाते हैं। मैं को उनके साथ थोड़ा सा भी गाना गाती हूँ ना तो उनको इंडिकेशन हो जाती है कि मैं ऊपर ले गई, मतलब मैं कह रही हूँ ये देखो लड़ाई करने के लिए तैयार। ये किसिंग विसिंग चल रही है इनकी, ओफो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यार ये है बहुत ही टेस्टी सी चाउमीन, मैं लेकर आया था, आपको पता है सिर्फ 20 रुपये की आई है, हाफ प्लेट है, और मुझे तो बहुत भरी भरी लग रही है, फुल प्लेट जितनी लग रही है। ये है दही पूरी, ये मैं लेकर आई हूँ, 30 रुपीज़ की दी उसने, मुझे थोड़ी महंगी दी वैसे तो, और 20 रुपीज़ की आ जाती है, पर ठीक है, दो तो पूरी मैंने खा ली तो चार ही बची हैं, सिर्फ 5 थी।
और ये है उसके साथ खट्टा खट्टा पानी। वैसे ये पानी देते नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया, मैंने कहा चलो यार पानी ले लेती हूँ। मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो अब आज मेरा मन कर रहा था। मैंने कहा छुट्टी है तो चलो थोड़ा सा कुछ अच्छा खा लेते हैं। सो ये था हमारा आज का डिनर, समझ लो मेरा ये है डिनर। तो मिलती हूँ कल मैं आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो क्या यार, ये था हमारा मेरा पूरा दिन, मैंने आपको दिखाया। ये हमारा यू नो सब चाउमीन वगैरह रखी हुई है। और आज का दिन मैंने मतलब कुछ खास नहीं रहा वैसे। आज का दिन संडे था, तो संडे को कुछ, मम्मी तो किटी में चली गई थी और मैं घर पे ही थी, तो मैंने बस रिलैक्स किया। और संडे तो होता ही रिलैक्स करने के लिए है। तो गाइस, आपको मेरा ये व्लॉग आज का कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है यार। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट नए व्लॉग में, बाय।